हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज बनाऊंगी आलू परवल की सब्ज़ी, जिसके लिए जो सामग्री है मैंने रख लिया है। ये है मेरा 250 ग्राम परवल, जिसको मैंने बीच से हाफ ऑफ करके और इसको 4 टुकड़ों में ऐसे कट करके कट कर लिया हुआ है। और ये 2 प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और 1 प्याज मसाले में डालूंगी मैं। ये लाल मिर्च है जो मैं मसालों में डाल के पीसूंगी। ये साबुत मसाले है कुछ, दालचीनी, 2 इलायची है, लौंग है 3-4, और ये तेज़पत्ता है और जीरा है। इसे मैं फ़ौरन डालूँगी, तड़का लगाऊंगी। और ये है सरसों तेल, इसमें मैं बनाऊंगी। ये धनिया है जिसे मैं मसाले में ऐड करूँगी। इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ है, 15 से 20, छिलका मैंने नहीं हटाया है। और इसमें मैं इसको ऐड करूँगी। और ये है कुछ काली मिर्च और जीरा, इसे भी मैं मसाले में ऐड करूँगी। और इस ये जो लाल मिर्च था, इसे भी मैं मसाले में और ऐड करूँगी। और ये जो बारीक टुकड़ों में जो प्याज काट के मैंने एक रखा था, उसे भी मैं मसाले में ऐड करूँगी। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं ग्राइंड करूँगी। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में अब मैं ऑयल डालूँगी। 2 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी परवल फ्राई करने के लिए। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, इसके बाद में इसमें परवल डालूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल दिया था जो सीटी दे चुका है। मैं आलू परवल की सब्ज़ी में आलू बॉईल करके डालती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मैं ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं परवल डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए। एक बार इसे चलाते थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन हमें नहीं करना है, वरना टेस्ट इसका ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमें लाइट ब्राउन करना है। ये लाइट ब्राउन हो गया है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब इसमें ऑयल डालूंगी, 2 टेबल स्पून ऑयल है ये। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने दूंगी। इसके बाद ये एक तेज़पत्ता डालूंगी पहले। ये जीरा जो मैंने खारे मसाले रखे थे, अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे, फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। ये जो मैंने मसाले रखे थे, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है।
थोड़ा सा और डाल देती हूँ। और ये मैंने एक चम्मच डाल दिया है मिक्स मसाला। प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। लो फ्लेम रखेंगे इसको। मसाले पकने लग गए हैं, अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने नमक ऐड कर दिया, इसको एक बार मिक्स कर दूंगी। मसाले से जब तक ऑयल ऊपर नहीं आने लगे तब तक हमें इसे पकाना है। 5 मिनट पकने के बाद मसाले कुछ इस तरह से दिख रहे, थोड़े थोड़े ऑयल छोड़ने लगा है, बट अभी थोड़ी देर 5 मिनट्स और करेंगे। यहाँ जो मैंने आलू रखा था उसे मैंने छिलका हटा के कट कर लिया है। मसाले फ्राई होने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ऑयल छोड़ने लगा है ये। अब मैं इसमें जो सब्ज़ी है वो डाल दूँगी। सब्जी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। मैंने मसाले को लो फ्लेम पे पकाया है, लो फ्लेम पे ज़्यादा अच्छे से मसाले फ्राई होते हैं। एक मिनट हम इसे फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 मिनट हो गया है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आपको ग्रेवी कैसा रखना है उस अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हैं। मुझे ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मैंने पानी डाल दिया है। 2 गिलास पानी डाला है मैंने इसमें। अब इसे मैं कवर करके छोड़ दूँगी। कवर करके 10 मिनट पकने के बाद सब्ज़ी कुछ इस तरह दिख रहा है। ये अब तैयार है, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये देखिए बनके तैयार है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।